those who want to be rich, na, they have the very different and distinguished mindset. क्योंकि उसने इसमें invest किया है. By standing, you have to watch the entire episode. आपको यह कितना है कि तू है बंदे को girls हैं तो graduate करवा दो. फिर तो जिसके घर जाएगी वही करवाएगा. Poor people invest in liabilities, but rich people invest in assets. Like सिखाया ही नहीं जाता है स्कूल में, कॉलेज में ये होता क्या है? और अगर बॉयज है तो पूरा प्रेशर दिया जाता है, पढ़ पढ़ जबरदस्ती, उसको उसका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, जबरदस्ती वरना शादी नहीं होगी. मैं यहाँ आया और आपने मेरा स्वागत गालियों से किया, अंडे टमाटर से किया. ईगो नेगेटिव एटीट्यूड का एक हिस्सा है. यू विल गेट व्हाट यू वांट. आई से लीडर्स, आपके माइंड में पॉलिटिशियंस आएगा. क्यों? लॉर्ड बुद्धा लीडर नहीं थे, मोहम्मद सलाह लीडर नहीं है. ये ब्रेन गेम नहीं हो रहा दोस्तों, ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है. इट मींस व्हेन द टैलेंटेड एंड द हाईली स्किल्ड पीपल मूव फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज टू द डेवलप्ड कंट्रीज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन. कम यहां हम में भी है, कम यहां सरकार में भी है, सब में है. अ पर्सन कैन बी हाईली एजुकेटेड, प्रोफेशनली सक्सेसफुल, बट फाइनेंशियली इलिटरेट. अरे बाबा, पीकर मवाली देता है गाली. बाबा बाबा, पीकर मवाली देता है गाली, रात को पीटेगी उसकी घरवाली. बॉयज को बहुत मजा आ रहा है. पीकर मवाली देता है गाली, रात को पीटेगी उसकी घरवाली. आप लोगों को क्या, ठोकिए मेरे लिए ताली प्लीज. मुझे अगर मुझसे कोई पूछे कि आपको मजाक कहाँ आता है तो मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स के बीच. और शायद यही वजह है कि पिछले साढ़े तीन साल पांच साल हो गए अब स्कूल में पढ़ाते, फिर जाके अपना कुछ किया. और मुझे ना बहुत एंजॉय आता है. द मोमेंट व्हेन पिंकी टोल्ड मी दैट सर यू आर इनवाइटेड एंड अ गर्ल लाइक व्हाट इज हर नेम, या गॉर्डी, शी कॉल्ड मी एंड व्हेन आई केम आई वाज लाइक इट वाज फॉर मी द वेरी फैंटास्टिक मोमेंट. If you give me two options and tell me one is to go to Goa and second to any college, I would opt to go to college and will leave that the option which goes to Goa. This is why I came here guys, and it was a very very first experience of my life coming here in Delhi University. इंसान जब अमीर बनने की कोशिश करता है तो वो क्या करता है? Thank you. What's your name? Deepak. All right. Nice. I know. There, I saw you. Anyways, इंसान जब अमीर बनने की कोशिश करता है या चाहता है तो वो इन्वेस्ट करता है असेट्स में. कॉमर्स के बच्चे हैं आप लोग. बिजनेस में पहले जो परंपरागत चलता आ रहा है वो लैंड में या फिर ज्वेलरी में. वो इन्वेस्ट इसलिए करता है ताकि वो बहुत ज्यादा से ज्यादा ना प्रॉफिट कमा सके. और प्रॉफिट का मकसद होता है दोस्तों कि अपनी लाइफ को सिक्योर कर सके या फिर अपने आने वाली जनरेशन को. ये वो असेट्स हैं जो सबके पास नहीं होता, किसी किसी के पास होता है. लेकिन दुनिया में एक पावरफुल असेट है जो वाकई में बहुत पावरफुल है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, और ये असेट ना हम सबों के पास होता है. थैंक यू वेरी मच. Could you please tell me what is that asset that which we all have, and if we invest with a proper strategy in that asset can bring the huge wealth and prosperity in our life? And confidence comes from there. Thank you very much for that, Pinky, and you guys also. Guys, brain is that powerful asset. If it is trained properly, it really, and I'll prove this, being a lawyer, I'll prove this how. It can bring the enormous prosperity and wealth. How? We acquire land or jewelry or business. Hum ise acquire karte hain. But the God gives us the powerful brain that we all have. जिस तरह जमीन पर, जमीन का मेन फंक्शन क्या है कि आप उस पर कुछ फसल उगाएं, और यदि आप उस पर अच्छे फसल नहीं उगाएंगे तो ऑटोमेटिकली या तो बंजर हो जाएगा या फिर उस पर जंगली पौधे आ जाएंगे. ठीक उसी तरह ये जो गॉड गिफ्टेड पावरफुल एसेट है,
लाइक लैंड, अगर इसमें हम अच्छे विचार नहीं डाले तो गंदे विचार तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे. यस, क्योंकि खाली जमीन होता है विवाद का और दिमाग शैतान का. अच्छे पौधे बहुत मेहनत के बाद उगते हैं जमीन पर, पानी डालना होता है, फर्टिलाइजर डालना होता है. ठीक उसी तरह अच्छे विचार, अच्छी शिक्षा, अच्छी बातें बहुत मुश्किल से आती है इस भेजे में, क्योंकि बुरी चीजों की सबसे अच्छी बात कि समझ में बहुत जल्दी आता है और मजा भी आता है, और अच्छी चीजों की सबसे बुरी बात कि समझ में आसानी से आता ही नहीं है. लेकिन जिस दिन आता है ना, और कुछ समझ में नहीं आता. थैंक यू. मैं थोड़ा सीरियस दिखने से लगता हूं तो हंसने की कोशिश करता हूं, मेरे से हो नहीं पाता है गाइस. और इसके लिए लोग बहुत शिकायत लोगों की होती है कि आप हंसते नहीं हो. इसमें मेरी कोई गलती नहीं है. और हमारे जो एक्शंस होते हैं, व्हाट एवर वी डू आर द स्लेव्स ऑफ आवर थॉट. हमारे एक्शंस हमारे विचारों के गुलाम होते हैं, और वो विचार यही से आते हैं दोस्तों. All the actions which we take is because of our thoughts that comes from brain. अब सवाल ये है कि अच्छे विचार कब आएंगे? जब उसमें invest सही से हो, जब उसको train सही तरीके से किया जाए. ये जो हमारा brain है ना दोस्तों, ये this is like a factory. It has two supervisors. The one is Mr. Positive and the second is Mr. Negative. If you give bonus, then Mr. Positive will promote you and it will help you to get actualize what exactly do you want in your life. But if you give incentive and bonus to Mr. Negative, that will lead you to. And from there, ego comes. Ego हमारे attitude का part है. Ego comes. और वही नाशे काल विनाशे बुद्धि, वही से शुरुआत होती है. And our brain is like a powerful machine, a powerful engine. I hope you guys know Mercedes, BMW. These vehicles have the very, very powerful engines. This brain is also very powerful, but if it is trained well, and informations which we take is like petrol moving. और दोस्तों, रात को जब कोई कार चलती है ना, तो प्रकाश यानी कि उजाला उस कार को सिर्फ यहीं तक दिखाई देता है. अगर उस कार का इंजन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, पेट्रोल सही है, मोबिल अच्छे से दिया गया है, और जैसे जैसे कार आगे बढ़ेगी ना, अंधेरा छटता जाता है और प्रकाश दिखता जाता है, और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं. ठीक वैसे ही अगर आपके इस ब्रेन में इन्वेस्टमेंट अच्छे से हुआ हो, तो ये ब्रेन और इसमें अच्छे से मोबिल हो, आपको भी जिंदगी में रास्ते सिर्फ वहीं तक दिखते हैं. उसके बाद सिर्फ श्यामलाल कॉलेज, आगे क्या करना है ये पता नहीं. बट इफ यू मूव अहेड स्लोली स्लोली, अंधेरा हटता जाएगा और उजाला दिखता जाएगा. बट द डे विल कम व्हेन यू विल गेट व्हाट एग्जैक्टली यू वांट. हम में से ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, उनको लगता है आगे घना अंधेरा है, मैं क्या करूंगा यार, दिल्ली है, श्यामलाल कॉलेज है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मैं तो एवरेज हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता. जब हम बोलते हैं एजुकेशन तो हमारे माइंड में क्लास आता है, कॉलेजेस आती हैं, जबकि एजुकेशन सिर्फ यही नहीं है दोस्तों. द डे व्हेन यू आर बोर्न ना, उसी टाइम से आपकी एजुकेशन शुरू हो जाती है. क्लासरूम बेस्ड एजुकेशन इज कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन व्हिच यू गाइज लर्न इन योर क्लासरूम. दिस इज नॉट फॉर्मल एजुकेशन व्हिच यू आर फॉर गैदर्ड हियर. This is part of informal plus formal both. And informal education is that education which we learn out of the classroom. जैसे कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, आप कोई स्किल सीखते हैं, पीपीटी बनाना. This is part of informal education. Although ये part में curriculum में भी हमारा आता है. तो जब दोनों education का combination बहुत अच्छा होगा, financial literacy आपके informal education का part है. A person can be highly educated, professionally successful, but financially illiterate.
एंड दिस इज व्हाई वी बिकम सो मच एजुकेटेड बट लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं. व्हाई? बिकॉज वी नॉर्मली फोकस्ड टू द फॉर्मल एजुकेशन. किताबों को हम रटते हैं गाइज इस सूचनाओं के संसार में. इस वक्त ज्ञान और समझदारी की बहुत ज्यादा कमी है. अगर ज्ञान को सही तरीके से हासिल कर समझदारी में तब्दील किया जाए ना तो आपको पता चलेगा जिंदगी क्या है और इसको जीने का मजा आएगा. और ये तभी संभव है जब हम एजुकेशन के सही पर्पस को हम समझ सके. एंड वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज एजुकेशन. अकाउंट्स को आप रटेंगे, बिजनेस को आप रटेंगे, कॉस्ट को आप. दिस इज नॉट एजुकेशन. दीज यू आर कलेक्टिंग द पीस ऑफ पेपर्स, द डिग्रीज. और अगर आपका कॉम्बिनेशन दोनों है फॉर्मल, आपने देखा होगा ज्यादातर लोगों को दे डोंट हैव डिग्रीज. बिल गेट्स, इवन शिव खेरा जिन्हें मैं बहुत ज्यादा लाइक करता हूं, इफ यू नो अबाउट शिव खेरा, ही इज ओनली 12th पास. योर संदीप माहेश्वरी नॉट टू मच एजुकेटेड बट सच अ ग्रेट मैन, यू सी. व्हाई? बिकॉज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन. फॉर्मल एजुकेशन आपको डिग्रीज देता है, हो सकता है कि आपको जॉब मिल जाए, बट इफ यू हैव द इनफॉर्मल एजुकेशन, you know what exactly is the financial literacy. I'm 100% sure degrees ho ya na, main aapko bataunga aur aap bhi jante honge is cheez ko. Ho ya na ho maine nahi rakhta, you will get what you want. Attitude jab hum bolte to hamare mind mein ego aata hai. Attitude main bolu aapke mind mein kya aata hai zara bataiye? Ego hi aata hoga 100% ego. Koi nakre dikha raha hai to bolo yaar isko kitna attitude hai, किसी ने ऐसे ऐसे कर कितना एटीट्यूड है. मैं माइक को ऐसे पकड़ के बोलूंगा यार इसको कितना एटीट्यूड है. मैं आपसे बोलूंगा स्टैंड अप, गो देयर एंड बाय स्टैंडिंग यू हैव टू वॉच द एंटायर एपिसोड. आपको यार कितना एटीट्यूड है बंदे को, मुझे स्टैंड करवा दिया. यू नो दिस नॉट अप डू यू, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली है कि बाहर का बंदा आके मुझे स्टैंड करवा दिया. एटीट्यूड दरअसल होता क्या है, किसी भी चीज को, किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को आप कैसे रिएक्ट करते हैं. How do you react to a particular situation is called attitude. Whether you react in a positive way or a negative way. Ego negative attitude का एक हिस्सा है. जैसे हर इंडियन एशियन होता है लेकिन हर एशियन इंडियन नहीं हो सकता, वो पाकिस्तान का हो सकता है, चाइना का हो सकता है. तो हर ईगो रखने वाला इंसान उसमें एटीट्यूड हो सकता है लेकिन हर एटीट्यूड वाले इंसान में ईगो. सो फर्स्ट आप बोलेंगे कि सर ये ईगो के एटीट्यूड कैसे हमारी मदद करते हैं. दोस्तों जब हम जन्म लेते हैं, जिस दिन से हम इस धरती पर आते हैं, कुछ टेंडेंसीज प्रवृत्तियां लेकर आते हैं और धीरे धीरे हमारा नजरिया बनता जाता है. नजरिया यानी कि एटीट्यूड, द वे यू थिंक अबाउट एनीथिंग, द वे यू रिस्पॉन्ड अबाउट एनीथिंग इज कॉल्ड एटीट्यूड. अब एटीट्यूड आपका सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव हो या निगेटिव, ये तीन चीजों पर निर्भर करता है. सबसे पहला ये ट्रिपल ईज है, सुना है आपने ट्रिपल ईज. सबसे पहला एनवायरमेंट. मैंने अभी आपसे कहा कि जिस दिन हम पैदा होते हैं कुछ टेंडेंसीज यानी कि प्रवृत्तियों के साथ पैदा होते हैं और धीरे धीरे हमारा नजरिया डेवलप होने लगता है. अब ये नजरिया हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के माहौल में हम रहते हैं. जिस परिवार से, खानदान से हम ताल्लुकात रखते हैं वहां का माहौल कैसे, पेरेंट्स कैसे बात करते हैं, मदर से, स्टूडेंट से, ब्रदर से, सिस्टर से, आप देखते हैं आपका नजरिया डेवलप होने लगता है. अगर उनका बिहेवियर अच्छा है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो आप में कैसा एटीट्यूड डेवलप होगा, पॉजिटिव. मैंने आपसे कहा गो एंड स्टैंड देयर फ्रॉम देयर यू हैव टू वॉच द एंटायर एपिसोड. एक नजरिया आपके माइंड में आएगा यार अच्छा है, एक्सरसाइज भी हो जाएगा, देख भी लूंगा, थोड़ा सा योगा भी कर लूंगा. और दूसरा आएगा कि बहुत स्मार्ट बन रहा है. दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एटीट्यूड. यू कैन एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस है जो लाइफ में तजर्बा, वो आपके अच्छे हैं या गंदे हैं. अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपका एटीट्यूड भी क्या होगा, अच्छा होगा. आज मैं यहां आया, आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से वेलकम किया. Smiling faces you guys have. You guys are listening with a patient, like a patient listener. I feel great. तो मेरा attitude अच्छा build होगा. फिर मैं दोबारा जाने की कोशिश करूंगा किसी college में. मैं यहाँ आया और आपने मेरा स्वागत गालियों से किया, अंडे टमाटर से किया, मेरा attitude कैसा develop होगा?
You're getting that word. How does experience matters to build attitude? And the third is education. अब education आपका सिर्फ औपचारिक है, यानी कि आज की education सिर्फ brain को train करती है. Brain की training के साथ value based education भी होनी चाहिए. इनफॉर्मल भी हो आपके पास, आप इंटेलिजेंट बहुत है, तमीज एक टके की भी नहीं है आपके पास. आपको नहीं बोल रहा, आपको नहीं बोल रहा. आवर सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम इन ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका एंड ब्रिटेन, व्हाट इज दैट, वी फोकस हियर टू द रोट लर्निंग सिस्टम. हम इंफॉर्मेशन को रटते हैं और हमें लगता है कि हम पढ़ते हैं. नो, this is, I'm not saying this is not edu- this is also, but this is not only the education which we are learning. The poor people earn money to survive, like we people, हमारे जैसे लोग, हमारी सोच सिर्फ यही तक होती है, पैसे कमाओ, परिवार चल जाए, बस that's all, बात खत्म. लेकिन जो लोग rich होते हैं और या बनना चाहते हैं, उनकी सोच होती है दे अर्न मनी, दे गेट मनी टू वर्क फॉर देम. ध्यान से इस बात को समझिएगा, वी पीपल वर्क और अर्न मनी टू सर्वाइव, बट दे अर्न मनी टू गेट मनी फॉर वर्क फॉर देम. वो पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि पैसा उनके लिए एम्प्लॉय की तरह काम करे और उस पैसे को वो इन्वेस्ट करके और ज्यादा पैसा कमा सके. पुअर पीपल इन्वेस्ट इन लाइबिलिटी, but rich people invest in assets like business, jewelry, land, and poor people invest in liabilities. ये liabilities क्या होती हैं? Salary आई नहीं कि bank से loan ले लिया और उसे Apple का cell phone ले लिया, flats के installments आ रहे हैं, car ले लिया, laptop ले लिया, ये सब liabilities हैं दोस्तों. But the those who want to be rich now, they have the very different and distinguished mindset. क्योंकि उसने इसमें इन्वेस्ट किया है, इसमें इन्वेस्ट किया है. द फर्स्ट अर्न, इन्वेस्ट टू अर्न मोर टू क्रिएट ह्यूज प्रॉफिट वेल्थ एंड देन दे अर्न इन लाइबिलिटीज, बट लेस देन द पुअर पीपल, इन विच बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल, लोअर मिडिल क्लास पीपल एंड द मिडिल क्लास पीपल का. द प्रॉब्लम इज दैट वी गाइस डू नॉट फोकस ऑन द फाइनेंशियल. इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था, मुझे तो कुछ नहीं पता था, मुझसे 100 टाइम्स बेटर आप लोग हैं, बट स्टिल आप लोग भी फाइनेंशियल लिटरेसी पर फोकस नहीं करते हैं, नहीं करते होंगे. आप इसे शायद ही कोई एक बच्चा, क्योंकि सिखाया ही नहीं जाता है स्कूल में, कॉलेज में, ये होता क्या है, फाइनेंस ही सिखाया जाता है. कंपनियों के गुलाम जाओ, जाके बन जाओ, उसका फाइनेंस करते रहो, डिबेंचर कैसे आएगा, शेयर कैसे इशू होगा, डिबेंचर कैसे, ये सब सिखाया जाता है आपको. I see the statement when I started this session that a person can be highly educated, a person can be professionally qualified, but a person, that person may be financially illiterate. आप पढ़े लिखे बहुत ज्यादा हो सकते हैं, आपकी नौकरी बहुत ऊंची हो सकती है, लेकिन financially आप literate हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं asset में हमें invest करना है या liabilities. आप देखिए जितने भी positions वाले, they will first invest into liabilities, not into assets. Mostly people invest into liabilities. This is why we do not have idea what exactly are the liabilities and the assets. But I would say you that you should know about this financial literacy and be aware. But risk नहीं लेना चाहता हम में से कोई. We don't want to take risk in our life. This is why we always play the safe game. हम सेफ गेम खेलना चाहते बस किसी तरह. गर्ल्स हैं तो ग्रेजुएट करवा दो, फिर तो जिसके घर जाएगी वही करवाएगा. और अगर बॉयज हैं तो पूरा प्रेशर दिया जाता है, पढ़ पढ़ जबरदस्ती, उसको उसका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, जबरदस्ती, वरना शादी नहीं होगी. और ये क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट कम्स. बट माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू टू ट्रेन योर ब्रेन बाय गेटिंग फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन, by knowing what your aptitude and interest, by knowing what exactly is the meaning of career, what you can do. Ek wo kaam jo aap bina paiso ke kar sakte hai na guys, wahi aapka passion hai, wahi karke aap jee sakte hai. Kya hoga, shuruaati dino mein aapko paise nahi milenge bahut zyada, lekin agar aapko faith hai, belief system strong hai,
तो पेशेंस अपने आप आ जाएगा. मुश्किलें और मुसीबतें तो हम सबों की लाइफ में होती है गाइस. वी ऑल हैव डिफिकल्टीज, वी ऑल हैव डिफिकल्टीज. और अगर शुरुआती दिनों में आप पैसों पे फोकस करेंगे तो मुझे लगता है आपको आगे चल के दिक्कतें होंगी. ये सर्टेन नहीं है बट हो सकता है. तो इन द स्टार्टिंग द करियर यू लाइक यू हैव टू फोकस देयर टू एनहांस योर स्किल्स पर्सनालिटी. नो द आइडियाज, नो हाउ टू डू दैट वर्क. एंड वंस यू नो ऑल दीज थिंग्स, पैसा तो अपने आप आपके पीछे आएगा. क्योंकि किसी भी चीज में पहले या तो हमारा एटीट्यूड होता है या इंटरेस्ट होता है. और अगर उस दिशा में हम बार बार उस चीज पर प्रैक्टिस करें पूरे पैशन यानी कि जुनून के साथ, तो टैलेंट अपने आप आ जाएगा. और जब टैलेंट आएगा ना दोस्तों, तो आप आगे आगे और गांधी जी पीछे पीछे आपके. आई होप यू नो गांधी जी मींस व्हाट. वी ऑल लव हिम. या फिनिश. थैंक यू वेरी मच गाइस, मुझे बहुत मजा आया यहां पे.